वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल से स्कूल डी एस। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे गर्ल्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का कोई वीडियो दीजिए हॉस्टल का, तो हॉस्टल का वीडियो आप लोग को एक देने जा रहा हूँ जिसका नाम है गंगोत्री गर्ल्स हॉस्टल। चलिए हम वीडियो को दिखाना स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार का वहाँ पर फैसिलिटी रहता है, कैसा वहाँ पर व्यवस्था मिलेगा, आपको सारा इस वीडियो में दिखाया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। गर्ल्स का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे हमारे कमेंट बॉक्स में अधिकतर गर्ल्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि सर वहाँ पर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं। तो आज आप लोग को एक प्राइवेट हॉस्टल का देने वीडियो जा रहा हूँ, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा क्या क्या फैसिलिटी है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के क्लास 6, 9, 11, 10, 7, 8 सारे क्लास के बच्चे बच्चियों से आज बात करवाएंगे हम आपको, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसमें कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में किस प्रकार से पढ़ाई करें कि आपका सिलेक्शन हो, और क्या क्या पढ़ना चाहिए, और सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो भी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की लड़कियों के साथ। तो चलिए आज हम चलते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के कुछ बच्चों से बात करेंगे जो यहाँ पर एडमिशन लिए हैं। हॉस्टल है, ठीक है, यहाँ पर हम आए हैं हॉस्टल में। ये देख लीजिए आप, एक तरफ से पूरा हॉस्टल है। अब यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो यहाँ पर एक तरफ से पूरी सिक्योरिटी दी जाती है ना बच्चों के, तो यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी के साथ बच्चों को रखा जाता है। तो आइए हम किसी बच्चों से बात करते हैं, क्या व्यवस्था है, कैसा रूल रेगुलेशन है। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए ये एक रूम है जिसमें अभी फिलहाल 3-4 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 4 से 5 सीट का रूम है। आइए हम दूसरा रूम देखते हैं, आपको पहले हम रूम दिखला देते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ का खाने में क्या व्यवस्था है, यहाँ पर कैसे रहते हैं बच्चे, उन सब सारी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए अभी ये फिलहाल कमरा खाली है, आप कमरा देख सकते हैं, ये कमरा वेल सेटेड है एकदम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारे बच्चों से हम बात करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ के रूम ऑनर से भी बात करेंगे कि क्या व्यवस्था है और क्या वो देते हैं भोजन पानी, उनका नाश्ता वास्ता में क्या है, ठीक है। चारों तरफ यहाँ पर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की लड़कियों का है रूम, और आप ये ड्रेस देख के पहचान गए होंगे कि ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का ये रूम है। यहाँ पर हम इनसे कुछ बात कर लेते हैं कि पहले ये किस क्लास में पढ़ती हैं, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आई हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कुछ इन लोगों से जानकारी लेते हैं। हाँ तो बाबू आपका कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी क्लास 12 में है। और कौन सा स्ट्रीम है? आर्ट्स। अच्छा आर्ट्स, ओके। और ये बताइए कि किस प्रकार से मतलब आप तैयारी की थी कि आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ? हम लोग का मतलब 10th क्लास के मेरिट पे हुआ था एडमिशन। ओके, अच्छा मतलब क्लास 10th का आपका एक तरफ से बोला जाए तो मेरिट देखा गया था। ओके, अच्छा बाबू आपका नाम? कहाँ से बिलोंग करती हैं, और किस स्कूल में है, और क्या स्ट्रीम है आपका? बायोलॉजी। हाँ तो ये पहले बताइए, बायोलॉजी पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐड है, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि बायोलॉजी में क्लासेस कैसी चलती है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स? क्लासेस तो अच्छी चलती है, पूरा प्रॉपर पढ़ाई होता है, और लैब वगैरह का भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है स्कूल में। अच्छा ये बताइए पहले आप कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि इस बार का कट ऑफ किया जाएगा, और वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, वहाँ के टीचर वेल सेटल है, मतलब कैसे टीचर है? टीचर्स तो काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर कट ऑफ मतलब कट ऑफ के बारे में सोचना बिल्कुल सही नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए तो कट ऑफ अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक तरफ से हम बताएं तो इस बार 2 से 3 साल से पेपर नहीं हो रहा है, लॉटरी सिस्टम से और मेरिट सिस्टम से एडमिशन चल रहा था, तो इस बार का हमारे हिसाब से बायो का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, मान के चलिए 70 नंबर जाएगा, बहुत हद्दी हद्दा चला गया तो 70 नंबर जाएगा, उससे बेसी नहीं जाएगा। क्या आपका ये सही बता रहे हैं हम या गलत? ओके बाबू आपका नाम कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? किस क्लास में है? 7th, मतलब 6th में आई थी और 7th में इस बार गई। ओके ये बताइए कि आपका लॉटरी सिस्टम से हुआ था या अलॉटरी सिस्टम से हुआ था? अच्छा पूरा नाम आपका क्या पड़ेगा? जनरल कैटेगरी से इनका 2022 में एडमिशन है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ाई करिए आप लोग। हम चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चे से वहाँ पर बात करते हैं क्या किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर देखिए रूल रेगुलेशन हमको सही लग रहा है इस हॉस्टल का, फिर भी हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? अंकिता यादव। कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूपी।
यूपी में कहा? कुशीनगर। अच्छा ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ती हैं? सेवन। बैठ जाए। अच्छा आपका नाम बाबू? थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप डरिए मत। किस क्लास में है? सेवेंथ ईयर। बोलो से मतलब कि क्योंकि बहुत अच्छा मतलब क्या आपका लॉटरी सिस्टम से एडमिशन हुआ है क्या? अच्छा ये बताइए कि सीएचएस में पढ़ाई किस प्रकार का होता है? बहुत सारे स्टूडेंट का ये मन में क्वेश्चन आते रहता है कि वहाँ पर पढ़ाई किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आप लोग कुछ बताइए, कुछ राय दीजिए। आगे आ जाइए थोड़ा सा, आ जाइए बाबू, अभी आ जाइए। किस प्रकार से पढ़ाई होता है वहाँ पर? पढ़ाई अच्छी होती है, एक्सपीरियंस चलता है। अच्छा तो वहाँ पर मतलब फैसिलिटी में क्या व्यवस्था मिलता है, खेलने का, घूमने का, कभी टूर मिलता है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, इन सब के बारे में बताइए आप। वहाँ खेलने के भी पीरियड्स होते हैं, योगा होता है, अलग अलग एक्टिविटीज कराए जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को अगर डांस देना है तो डांस की पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ म्यूजिक फैसिलिटीज भी हैं, तबला, सितार, वोकल्स, फिर वहाँ टूर भी होते हैं डांस के, मतलब डांस में कई कई जगह भी एक्सप्लोर करने लायक है, वहाँ भी जाया जाता है घूमने। वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, लोग केयर करते हैं। हाँ तो ये बताइए आप पहले बाबू आपका नाम क्या पढ़ा था? अंकिता यादव। अंकिता जी ये बताइए हमको कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या, आपका क्लास सिक्स में कितना फीस लगा था? 3,905। अच्छा मतलब कि वही 4,000 के अप्रॉक्स में ना। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कितना फी स्ट्रक्चर है वहाँ का। मैंने फी स्ट्रक्चर का वीडियो ऑलरेडी बना के दिया है, उसमें ये बताया कि इस बार का जो फीस होगा वो 4,500 से 5,000 के बीच में होगा, यानी कि एक तरफ से बात करें तो 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में। सही बोले? हाँ। ओके ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, आगे हम चलते हैं। आप लोग को हम व्यवस्था दिखा दिए हैं किस प्रकार से, और वैसे भी आप लोग से हम कुछ बच्चों से बात करवा दिए हैं यहाँ पर, जैसे समीक्षा थी, अंकिता थी, फिर उसके बाद अभी कुछ 11, 12 की कुछ गर्ल्स थी, उन लोगों से बात करवाए हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर रहती है, जो सिक्योरिटी के रूप में रहती है, जो वहाँ पर खाना बनाती है, यहाँ का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल का देखभाल करती है, उनसे हम कुछ दो शब्द बात करेंगे। वो किस प्रकार से बच्चों का देखभाल करती है उससे हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। वैसे ये टीचर है यहाँ का, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आंटी है, ये खाना वाना बनाते रहती हैं यहाँ पर, बच्चों का एकदम अच्छे से देखभाल करती हैं। तो आंटी से हम दो शब्द केवल बात करेंगे। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, अच्छा। क्या नाम पड़ेगा आंटी आप? सुनीता जी। आंटी आप ये बताइए यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल जो है, कैसा गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब कि बच्चों को क्या फैसिलिटी मिलता है? अच्छी है यहाँ पर पूरा। किस स्कूल की लड़कियाँ हैं? मतलब सेंट्रल गर्ल्स स्कूल की अधिकतर लड़कियाँ। अच्छा ये बताइए आंटी यहाँ पर मतलब कि फैसिलिटी आप ही देखभाल करती होंगी सब? हाँ। क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो अधिकतर तो आप ही फैसिलिटी पूरा देखभाल ऊपर नीचे जो भी करना होगा सब हाँ, देखते हैं। हाँ, सब देखते हैं। और यहाँ पर मतलब कि देखिए यहाँ पर मालिक है नहीं, तो इसलिए आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर खाना का क्या व्यवस्था? नहीं यहाँ पर ठीक है, एकदम घर की तरह खाना यहाँ मिलता है। झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बच्चे से पूछिए। देखिए आने वाला पूरा फ्यूचर के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल के प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि खाना बहुत गंदा रहता है, हॉस्टल का खाना घर जैसा नहीं मिलता है, तो आप क्या राय देना चाहती हैं? नहीं नहीं ये झूठ है, यहाँ पर बच्चे लोग से पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि यहाँ कैसा मिलता है। अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है, जब बच्चे खुद यहाँ पे बताएंगे। हाँ, ये बताइए कुछ हाँ, बच्चे अभी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो दाल मिलता है वो पानी जैसा दाल होता है। नहीं ऐसा है? नहीं नहीं है। नहीं ठीक है, चलिए फिर हम आके आपसे बात करते हैं, ऑनर से बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर कैसा व्यवस्था है। और एक दो बच्चे और हैं क्लास सिक्स के या सेवन एट के जो भी होंगे उनसे हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑनर से बात करेंगे कि क्या फैसिलिटी है और किस प्रकार का खाना मिलता है। सारी बातों को यहीं पर दिखाते हुए हम बंद करेंगे इस वीडियो को, ऑनर से बात करवा के। चलिए आइए ये वाला बस लास्ट रूम दिखा दें, और आप लोग को रूम दिखा ही दिया है किस प्रकार से ये है खुला, ये खुल गया। अरे आप वहाँ पढ़ती है ना, आप दो दो रूम में पढ़ती हैं क्या? आपका दो रूम है क्या? कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। हाँ तो आपका नाम बाबू? प्रियांशी पांडे। कहाँ से हैं? गाजीपुर। अच्छा गाजीपुर में है। ये सब छोड़िए, देखिए यहाँ पर मालिक नहीं ना है, देखो बाहर मालिक नहीं ना है। देखिए आप लोग एकदम एक तरफ से अपना भाई समझिए हमको, ठीक है, एकदम पूरा हेल्पिंग नेचर समझिए। गेट बंद करिए। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एकदम सच्ची जवाब दीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर कोई मालिक वालिक कोई नहीं। ये बताइए आप लोग एक जगह इकट्ठा होती है,
आप लोग से जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे लड़कियों का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बताइए आप लोग कि यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है वो कैसी है? मजाक नहीं, सीरियस पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी आप बोल रहे हैं, वीडियो को देख के बोल रही होंगी मोबाइल में कि अच्छा है, लेकिन बाद में आपको खराब खाना मिल जाता होगा, तो आपका क्या राय है, सही में अच्छा खाना मिलता है या नहीं मिलता है? सही में खाना अच्छा है ना? खाना अच्छा है ना? देखिए ये लोग अभी बोल तो रही है खाना अच्छा है, लेकिन बाद में बोलेंगे कि खाना खराब है, तो इसलिए पहले आप लोग को समझा दे कि ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही है कि खाना अच्छा मिलता है यहाँ पर। और ये बताइए आप लोग सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में किस प्रकार का पढ़ाई होता है, वहाँ पर के टीचर कैसे हैं? वैसे आप किस क्लास में अच्छा पास हुई है, कोई बात नहीं, और आपसे तो बात हो ही चुका है, आपका शायद नाम अंकिता है। हाँ। ओके, आपका नाम प्रियंशी है। हाँ। और ये बताइए, हाँ एक बात और पूछना था कि ये बताइए आप लोग कि वहाँ पर जो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है? पूरा? और ये बताइए, मतलब वही होगा ना 4,000-4,500 इसी के अप्रोक्स में होगा, 5,000 के अंदर में, ठीक? नहीं 4,000 के अंदर में। 4,000 हम समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि हम भी सेचर से पढ़े हैं, ठीक है? हाँ, हाँ। ठीक है, और हम पूछते हैं कि वहाँ पर का खेलने कुल, मतलब कि खेलने का पार्टिसिपेट वहाँ पर स्टेट लेवल तक नेशनल लेवल तक जाने का कोई प्रक्रिया है, मतलब सेचर से कोई कोई गया है अभी तक? किस फील्ड में? अच्छा टेबल टेनिस, क्या नाम पड़ेगा उनका? जो भी नाम होगा सौम्या नाम है उनका, एक तरफ से खेलने कूदने का भी बढ़िया फैसिलिटी है वहाँ पर। और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के बारे में कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, जो वहाँ का जो सबसे गंदा जो सबसे रद्दी चीज है वहाँ पर जो आपको अच्छा नहीं लगता है बता सकती हैं? थोड़ा सा भी इसके बारे में कुछ गलत नहीं जाएगा। नॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब अब स्टार्टिंग में जब स्कूल चलते हैं तब तो होता है कि कभी कभी टीचर्स नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद जब चलने लगता है तो चलता है अच्छा, मतलब सब कुछ वहाँ पर सही है ना। हाँ। सभी लोग 7-8 के हैं? हाँ। कोई 9-10 का? नहीं, 9-10 का नहीं। तो चलिए देखिए, यही था यहाँ का पूरा, और वैसे भी ये देख रहे हैं रूम, एक तरफ से बोले तो प्राइवेट हॉस्टल है ये, प्राइवेट हॉस्टल में जब इतना अच्छा व्यवस्था मिल रहा है तो अब क्या कहा जा सकता है। अब यहाँ के हम ऑनर से डायरेक्ट बात करते हैं, फिर यहाँ का फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जो बातें होगा हम डायरेक्ट लास्ट में बताएंगे, फिर यहाँ से हम लोग को आगे भी निकलना है, ठीक है? चलिए आइए डायरेक्ट ऑनर से बात करते हैं, यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, यहाँ के ऑनर क्या बताते हैं, कैसा का फैसिलिटी है, फिर उसके बाद यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में इनसे जानते हैं। तो हाँ सर, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर ये हॉस्टल आप ही का? क्या नाम पड़ेगा सर इस हॉस्टल का? माँ गायत्री गर्ल्स हॉस्टल। माँ गायत्री गर्ल्स हॉस्टल, ओके। ये सर बताइए कि ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लड़कियों को क्या फैसिलिटी यहाँ मिलता है? स्कूल से 200 मीटर दूरी का हॉस्टल है, मात्र 200 मीटर 200-250 मीटर ही होगा, मुश्किल से 2-3 मिनट लगता है यहाँ से स्कूल हॉस्टल जाने में, और 24 आवर्स इंटू सारी सुविधा उपलब्ध है, इलेक्ट्रिसिटी है, और आंटी मतलब मेरी वार्डन 24 घंटे यहाँ रहती है, खाना पीना है, सुबह नाश्ता है, दोपहर खाना है, शाम का नाश्ता है, रात का खाना है। अच्छा ठीक है, मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम लड़कियों का जो आता है वो पूछने जा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात का। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लड़कियों का है वो कहीं लड़कियां ये हो जाता है कि रात में गायब हो जाती है यहाँ से, मतलब बाहर चल जाती है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का क्या व्यवस्था है? यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पर मेल है सिक्योरिटी या फीमेल? मेल है, टोटल प्रॉपर पूरी आंटी यहाँ, मेरी आंटी रहती है और उनके तीनों बच्चे यहाँ रहती हैं। ओके, और 7 बजे के बाद में बिल्कुल कोई बच्चा बाहर नहीं जाती है हॉस्टल के बाद, अगर जैसे जाना हो या कुछ भी काम हो उसके लिए मुझे कॉल करेंगी, मैं परमिशन दूंगा तभी जाएंगे। अच्छा, तो आपको बता दिए कि ये गायत्री गर्ल्स हॉस्टल मात्र सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल से 200-300 मीटर की दूरी पर है, ठीक है? और यहाँ पर हम आपको सारा रूम भी दिखा दिए हैं, और यहाँ पर कितने बच्चे अट सकते हैं, मतलब कि कितने बच्चे? 25 सीट अवेलेबल है यहाँ पर, मात्र 25। और मान के चलिए आप
17 बच्चे हैं। अभी टोटल 17 बच्चे हैं, मतलब 17 बच्चे हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की ही। केवल लड़कियों को यहाँ पर रखा जाता है, कोई भी बाहरी लड़कियां यहाँ पर अलाउ नहीं है। केवल सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की ही यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे बच्चियां रह सकते हैं। और यहाँ पर पानी का और बिजली का क्या व्यवस्था है? बिजली तो कभी कटती नहीं है, प्रॉपर कटेगी तो इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं। अच्छा। उसके बाद आर ओ लगे हुए हैं, वाटर कूलर, गर्मी में वाटर कूलर चालू रहता है, आर ओ लगे हुए हैं, खाने के लिए प्रॉपर घर जैसा खाना मिलता है। अच्छा, कोई बहुत सारे हॉस्टल का हम ये नियम सुने हैं कि यहाँ पर जैसे हॉस्टल का नाम सुनते हैं उनके मन में चिड़चिड़ापन ऐसा आ जाता है कि गंदा खाना मिलता है। तो मैंने आंटी से अभी बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक खाना है। तो आप यहाँ के ऑनर हैं तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि खाना में क्या व्यवस्था है? खाना बेस्ट है, जो खाना वो वही हॉस्टल खाना हम खाते हैं, वही बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा। यहाँ कोई खाने में ये नहीं होता कि अपने लिए अलग से बनाया, बच्चों के लिए अलग से बनाया, ये कोई भेदभाव नहीं होता, प्रॉपर खाना सबका सेम ही रहता है। अच्छा, ये बताइए वेज है या नॉन वेज है? क्यों वेजिटेरियन है, पूरा वेजिटेरियन। बच्चे अगर खाते तो अपना एक्स्ट्रा प्लेट थाली में खा सकते हैं हम, बस कुछ जैसे रोटी चावल प्रोवाइड करा सकते हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे आएंगे इस हॉस्टल में आने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से या कहीं से भी आते हैं इस हॉस्टल में, तो आप अपना नंबर या विजिटिंग कार्ड आपके पास होगा कुछ? वो हाँ होगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपको। देखिए, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से जाके कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर बता दीजिएगा सीएचएस स्कूल बीएचयू आनंद कश्यप भैया के नाम से बता दीजिएगा, ये खुद आपको प्रोवाइड कर लेंगे, आपको आके वहां से ले लेंगे, फिर उनसे डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। इनका नाम निवेश कुमार गुप्ता है और यहाँ पर इनका प्रॉपर अभी गर्ल्स हॉस्टल है। इनका जल्द ही एक नया ब्रांच खुलने वाला है गर्ल्स हॉस्टल का, जिसमें कम से कम 70 से 80 बच्चियां अट सकती हैं उसमें, ठीक है। अब जो भी बात नहीं समझ में आएगा कॉमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं सर, आप फी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, यहाँ पर कितना फी लगेगा मैक्सिमम आपके हिसाब से? 6,000 रुपये। मतलब कि एक तरफ से बात किया जाए तो महंगाई को देखते हुए अभी इनका सबसे जो कम प्राइस है वो 6,000 है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डेट, उसके बारे में आप लोग को सीट के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को ये भी बता दिया है कौन सा रूम है, कैसा रूम है। यहाँ पर दो रूम, तीन, मतलब दो रूम वाला बेड भी दिखाया गया है, तीन रूम वाला, चार रूम वाला, पांच रूम वाला। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, जो बात नहीं समझ कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। हमसे पर्सनल बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से जुड़ के बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।